हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो जो कि होने वाली है इस क्रीम के रिव्यू के बारे में। ये क्रीम है लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंट ब्राइटनिंग डे क्रीम विद सनस्क्रीन। आपने ये क्रीम बहुत टाइम से आपने देखी भी होगी, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि ये क्रीम लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंट ब्राइटनिंग डे क्रीम विद सनस्क्रीन। तो जैसे कि आप जानते हैं लैक्मे का जो ब्रांड है काफी पुराना ब्रांड है एंड बहुत ही अच्छा ब्रांड है। लैक्मे के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो शायद हम मेरी स्किन को सूट नहीं करें या मुझे अच्छे नहीं लगे हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लैक्मे के 80% प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आज ही मैं इस और जो ये क्रीम है इसके बारे में, इसे मतलब आप मॉइस्चराइजर बोल सकते हैं या फिर आप इसे डे क्रीम बोल सकते हैं। तो ये क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, कितनी की है, ये ड्राई स्किन के लिए अच्छी है नहीं है, एंड और मतलब समर के लिए अच्छी है विंटर के लिए, तो सारे ही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपके साथ में कवर करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। फर्स्ट हम इसके पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग होती है, ठीक है, जो कि आपको इसके अंदर इस तरीके का कंटेनर मिलेगा। काफी आप देख सकते हैं क्वांटिटी काफी अच्छी है इसकी, और मैं इसको आपको अंदर से दिखा देती हूँ। मुझे इसे ऑलमोस्ट यानी आपको दिख रहा है या नहीं, काफी अच्छी क्वांटिटी है। मतलब मैंने इसे 1 मंथ मुझे हो गया इसको यूज करते हुए, ठीक है। तो ज्यादा तो लगती नहीं है ये, हाँ, लेकिन काफी मतलब क्वांटिटी काफी अच्छी है इसकी, टेक्सचर भी काफी अच्छा है। बट इसका हम पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस जो है, तो मुझे ये मिली थी 299 रुपीज की, वैसे ये 318 रुपीज की है, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 299 रुपीज की मिली थी, ठीक है। तो अब इसकी प्रगत हो गई प्राइस और पैकेजिंग की बात। तो वैसे ये जो क्रीम है ये समर के लिए और विंटर के लिए, मैं आपको बता देती हूँ कि किसके लिए बेस्ट है। तो पहले बात तो मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, तो मैं अपने ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। हो सकता है ये ऑयली स्किन वालों के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑयली स्किन वालों के लिए ये काफी बेस्ट होने वाली है ये क्रीम, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए समर में ये बहुत अच्छी है। मतलब आपको एक, अगर आप इसे लगा लेते हैं एज अ मॉइस्चराइजर या अपना डे क्रीम के अकॉर्डिंग की तरह आप इसे अगर यूज करते हैं, तो ये आपको एक पीची सा, मतलब एक पीच कलर का आपको एक ये टोन देती है, ठीक है, पिंकिश कलर में, एंड पूरे डे में आपको एक ही ग्लो देती है। बेशक ये 4-5 घंटे बाद मतलब आपके फेस पे दिखेगी नहीं, लेकिन आपको ये ग्लो देगी, हल्का हल्का सा शेड देगी पिंकिश कलर का, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आप, इसका जो ये टेक्सचर है ये पिंक कलर का है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ना कुछ पार्टिकल्स भी हैं जो कि थोड़े से शाइनिंग वे में है, मतलब रेडियंट जिसे हम बोलेंगे, कि अगर आपको इसे लगाने के बाद, मैं दिखा देती हूँ आपको इसे लगाकर, ये देखिए काफी अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जा रही है, एंड ये देखिए आप इसको, अभी मैं आपको इसका फर्क दिखाऊंगी, मैंने स्किन लगा ली, अभी देखिए इसमें और इसमें आप फर्क देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ना एक पिंकिश कलर का टोन देती है, जो कि काफी अच्छा होगा। बट हाँ, तो इसका ये जो है ये काफी मुझे अच्छा लगा। इसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे बिल्कुल वो फेयर लवली की जो फ्रेग्रेंस होती है, अगर आपने लगाई होगी पहले, तो मुझे सेम वही फ्रेग्रेंस है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम खोला था तो मुझे लगा ये फेयर एंड लवली ही है, जो कि इसको मॉडिफाई करके उन्होंने दिया है, बट नहीं, थोड़ा फेयर लवली वो स्किन पे जैसे लगती है ना ड्राई स्किन में, वैसे ही टेक्स्चर भी देती है ये। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने बनाई, तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, आपको जब भी आप यूज करते हो आपको फेयर लवली की जरूर याद आने वाली है, ठीक है।
तो और आप देख भी सकते हैं, मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। इसके साइड में आप देख सकते हैं ये कितना ड्राई हो चुका है, और ये इसके साइड में जो कि फेयर एंड लवली की अगर आपने यूज किया होगा तो उसमें भी ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप इसे फुल डे लगा रहे हैं तो आपके स्किन में अच्छे से ये आपको ग्लो देगी। ठीक है, अगर आप समर में लगा रहे हैं तो, और अगर जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो मुझे लगता है बेस्ट होगी, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन, और समर में ड्राई स्किन थोड़ी नॉर्मल रहती है, ज्यादा ड्राई नहीं होती है जैसे विंटर के अकॉर्डिंग। तो जो ये मुझे समर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा डे में मतलब मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इसको लगाने के बाद मेरा चेहरा थोड़ा सा ग्लो रहता था, और जब मैं फेस वॉश करती थी तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील होता था। ठीक है, लेकिन अब जब मैं इसे विंटर में यूज कर रही हूँ तो विंटर में तो वैसे भी स्किन ड्राई रहती है बहुत ज्यादा, और मेरी तो है ही ड्राई स्किन, तो मुझे लगता है कि विंटर के लिए ये क्रीम मेरे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को वो पैचेस जो होते हैं व्हाइट कलर के जो पैचेस हो जाते हैं वो होने लगते हैं फेस पे, और जो कि बहुत ही वेयर्ड लगते हैं, बहुत ही बेकार लगते हैं। तो समर के लिए मैं कहूंगी कि अच्छी है रादर देन विंटर के लिए। विंटर के लिए ये क्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपको इसे लगानी भी है तो मैं इसके अंदर हल्का सा एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि एक आदत सी लग गई है मेरे को इस क्रीम की, एंड मुझे बहुत सेटिस्फाइड करती है ये क्रीम। मतलब मुझे लगा कि मुझे ठंड में भी अप्लाई करनी चाहिए। तो जैसा ये टेक्सचर है उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दियों में कैसा फेस पे लगने वाला है, बट मैं इसे एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाती हूँ, फिर भी मुझे वो टेक्सचर नहीं मिल पाता, एकदम स्मूथ वाला और शाइन वाला, थोड़ा सा ड्राई रहता है। तो मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ इसे ठंड में लगाने के लिए, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं गर्मी में इसे जरूर लगाती हूँ और लगाऊंगी भी इन फ्यूचर, एंड मुझे काफी अच्छी लगी। जैसे ये क्लेम करते हैं कि परफेक्ट रेडियंट एंड ब्राइटनिंग डे क्रीम विद सनस्क्रीन, इसके अंदर सनस्क्रीन भी है। हाँ, ब्राइटनिंग देती है काफी अच्छी आपको, है ना। तो ब्राइटनिंग के लिए तो खैर मैं यूज नहीं करती हूँ ये क्रीम, बस मैं यूज कर रही थी कि हाँ ये थोड़ा सा क्योंकि मैंने जब इसे ऑर्डर किया था तो लाइक मैंने ये ब्राइटनिंग देख के नहीं, मेरे को मॉइस्चराइजर को यूज लेना था अच्छा, तो मैंने लैक्मे का देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे परचेस किया। बट जब मैंने इसे लगाया तो सच में ये एक अच्छा ग्लो देता है, काफी अच्छा। मतलब आपको पूरा दिन, आप जब स्वेटिंग होती है ना, मतलब गर्मियों में जब पसीना आता है उसके बाद का जो ग्लो होता है वो अलग ही होता है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे गर्मियों में यूज करें, सर्दियों के पर्पज से आप इसे ना खरीदें। ठीक है, और आपकी ड्राई स्किन कम है, मतलब कम ड्राई स्किन है आपकी, तो आप इसका एक सॉल्यूशन है, आप इसके अंदर एलोवेरा जेल मिलाकर यूज कर सकते हैं, तो वो आपको और बेनिफिट्स देगी। ठीक है, साथ के साथ अगर आपकी ऑयली ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए मुझे लगता है ये बेस्ट क्रीम होगी, क्योंकि ऑयली वालों के लिए तो इसी टाइप की कुछ क्रीम वो अगर आप सजेस्ट कर मतलब सर्च कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। एंड कॉस्ट इसकी 299 रुपीज की है, एज अ मैंने ऑफर में लिया था, बट इसकी 380 शायद इसकी वो है 349 या ऐसी कुछ, मतलब 300 से अबव का इसका MRP है। ठीक है, और इसका जो नेट नेट वेट है वो 50 ग्राम है, एंड मुझे लगता है ये आपको 1 ईयर या 7-8 मंथ तो आराम से आपका चल जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से, क्योंकि आपने भर भर के तो लगाना नहीं है, 6-7 मंथ आप आराम से इसमें निकाल सकते हो, मैं तो 1 ईयर भी आराम से निकाल सकती हूँ इस क्रीम के साथ। तो मेरे लिए तो ओवरऑल ये क्रीम बहुत अच्छी है, जस्ट समर के लिए, बस विंटर के लिए बिल्कुल ना है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसे विंटर में बिल्कुल यूज नहीं करने वाली हूँ, समर में मैं इसे बिल्कुल डेफिनेटली यूज करूंगी। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको कोई सजेशन देना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।